सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट से करेंगे और ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि ये पार्ट आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा, ह्यूमन हार्ट के एक बेसिक स्ट्रक्चर्स को भी सीखने को मिलेगा। तो लिम्फ नोड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लिम्फ क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से आपको एक स्लाइड बना के बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि आर्टरी होती है, ठीक है, आर्टरी हर जगह ट्रैवल होती है और मतलब कि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ अ रेड कलर इज आर्टरी विच हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिच इन न्यूट्रिएंट। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है। ठीक इसके पैरेलल जो है वीन्स जाती है। तो आर्टरी के ठीक पैरेलल जो होती है वो वीन्स जाती है। वीन में भी न्यूट्रिशन होता है और ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है थोड़ा कम होता है एंड लेस न्यूट्रिएंट भी काफ़ी कम रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं। ठीक इसके नीचे एक और चीज़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ नोड। सो एक्चुअली दिस इज़ अ लिम्फैटिक वेसल्स कहना चाहता हूँ मैं, लिम्फ भी नहीं है, दिस इज़ अ लिम्फैटिक वेसल्स। सो दिस इज़ अ लिम्फैटिक वेसल्स जो कि यहाँ पे जाती है। एक और चीज़ जाती है जो कि यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके बता रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज़ अ नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई होती है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हमारे हर टिशू, हर सेल और हर ऑर्गन तक पहुँचती है। पहला क्या पहुँचता है, आर्टरी पहुँचता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, वही डिलीवर करता है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो सेल को मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन है, वो आर्टरी डिलीवर करेगी। वेन थोड़ा कम करेगा। वेन में बेसिकली क्या होता है कि सेल जब सारा चीज़ काम करता है तो इसके अंदर छोड़ेगा और लिम्फेटिक वेसल्स जो होगा वो क्या होता है कि काफ़ी पतला रहता है। लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं काफ़ी पतले रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिमोट एरिया हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जहाँ पे ये आर्टरी भी नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ वेन भी नहीं पहुँच पाएगा, बट लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं वो पहुँच सकती है। तो लिम्फेटिक वेसल, अब यहाँ से थोड़ा सा समझ में आया हमें कि लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो हर जगह पहुँच सकती है, मतलब कि इवन रिमोट एरिया जो हमारा बॉडी का होता है, जैसे मान लीजिए कि टिप ऑफ द फिंगर या ऐसे और भी बहुत सारे एरिया होता है, रिमोट एरिया जो होता है हमारे बॉडी का, वहाँ तक ही पहुँच सकती है और इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, बट आर्टरी के कंपेयर में थोड़ा कम रहता है। तो न्यूट्रिएंट जो होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। पहला कंसेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट ये है, ध्यान से देखिएगा और इसी से आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा, मैं इसे दूसरे पेज पे बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी के, चाहे कोई भी ब्लड वेसल्स आप ले लीजिए, उस ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब कि नीचे के साइड, ब्लड वेसल के नीचे के साइड में सेल्स लगे होते हैं एंड दिस सेल्स इज कॉल्ड एंडोथीलियल सेल। क्या इसे बोलते हैं, एंडोथीलियल सेल। सो दिस इज कॉल्ड एंडोथीलियल सेल्स। अगर हम एंडोथीलियल को थोड़ा बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह से सेल्स का अलाइनमेंट होता है। दे हैव अ माइन्यूट स्पेस। तो जो भी इस ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, तो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट होता है, और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो बड़े बड़े सेल्स तो नहीं आ पाएंगे, बट सपोज कीजिए कि बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, तो दे कैन ट्रांसफर थ्रू दिस नैरो स्लिट, ठीक है, और नैरो स्लिट में ट्रांसफर होके और यहीं पे इसी के एडजेसेंट हमारे क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। तो यहीं के एडजेसेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और वो ट्रांसफर होके ये सारे न्यूट्रिएंट जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं ब्लड के वो आ जाते हैं। अब आखिर ये आए कैसे, क्योंकि जैसे हार्ट आर्टरी जो होती है डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है ना, आर्टरी जो होती है डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है और यहाँ पे वेंटिकल होता है। तो जैसे वेंटिकल जब पंप होता है तो बहुत ही प्रेशर से ब्लड बहता है। तो प्रेशर होने के कारण इसमें छोटे छोटे जितने भी मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है, यस, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, मतलब कि ब्लड के लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, मतलब कि इसलिए वो
यहाँ से एस्क्यूडेड आउट हो जाते हैं और वेन्स में आ जाते हैं, मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाते हैं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लिम्फेटिक वेसल्स. तो दिस इज अ लिम्फेटिक वेसल एक्चुअली, और इसके अंदर जो भी मटेरियल आया हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड लिम्फ. तो लिम्फ इज व्हाट, लिम्फ इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स. तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को हम लिम्फ बोलते हैं. तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ किसे बोलते हैं. तो लिम्फ क्या होता है कि एक्चुअली इट इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस ऑफ द ब्लड. ब्लड का एक एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होता है विच कैन ट्रांसफर थ्रू दिस माइन्यूट स्पेस ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स एंड बीनीथ द ब्लड दे हैव अ लिम्फेटिक वेसल्स. तो लिम्फेटिक वेसल्स में जो भी फ्लूड आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो जितने भी सब्सटेंस आते हैं, ऑल आर कॉल्ड लिम्फ. इसी को हम लिम्फ बोलते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि लिम्फ नोड किसे कहते हैं. तो लिम्फ नोड जो होता है, तो जैसे अभी हमने देखा था कि अलग अलग लिम्फ, मान लीजिए यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स है, सो दिस इज अ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स है. दूसरा यहाँ से और एक लिम्फेटिक वेसल्स आएगा, मान लीजिए यहाँ से एक और लिम्फेटिक वेसल्स आए, तीसरा यहाँ से एक और लिम्फेटिक वेसल्स आ रहा है ना, चौथा एक और लिम्फेटिक वेसल्स आ रहा है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे सारे के सारे लिम्फेटिक वेसल का कलेक्शन है. सो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड लिम्फ नोड. सो व्हाट इज अ लिम्फ नोड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द लिम्फेटिक वेसल. यहाँ से जो भी इसके कंटेंट होंगे, या अपना कंटेंट लेके आएगा, यहाँ पे लेके आ रहा है, इसका जो कंटेंट है अपना लेके आ रहा है यहाँ पे, इसका भी कंटेंट है यहाँ पे लेके आ रहा है, और इसका भी कंटेंट है यहाँ पे लेके आ रहा है. तो आपस में सारे सर्कुलेट होते रहते हैं. तो बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स एक जगह कंबाइंड हो जाते हैं, तो दे मेक अ लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फ नोड. एक चीज़ और बताऊँ कि जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स, मोस्ट ऑफ द कैंसरस सेल, हालांकि कैंसरस सेल्स जो होते हैं और भी बहुत सारे मोड होता है, तो मैं बताता हूँ कि कैंसरस सेल दो टाइप के होते हैं. मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा ये. वन इज कॉल्ड बेनाइन टाइप एंड अनदर इज कॉल्ड, बेनाइन टाइप होता है और अनदर इज कॉल्ड मेलिग्नेंट टाइप. मेलिग्नेंट टाइप होता है, मेलिग्नेंट मतलब कि मूवेबल है, खतरनाक है, ठीक है. तो वो मूव कर सकता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकता है. तो आखिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता कैसे है, तो इसके तीन रूट से जा सकता है. वन इज कॉल्ड हिमेटोजेनिक रूट. हिमेटोजेनिक रूट का मतलब वही होता है कि दे ट्रांसफर थ्रू द वेन्स, दे ट्रांसफर इनटू द आर्टरी, राइट. सो दिस इज कॉल्ड हिमेटोजेनिक रूट. दूसरा रूट होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक रूट्स. लिम्फेटिक रूट्स मतलब लिम्फ नोड के थ्रू जाएगा, और दूसरा ऑर्गन टू ऑर्गन भी जा सकते हैं, वो डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं. तो मैक्सिमम जो होता है, द मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन जो कैंसर होते हैं वो लिम्फेटिक के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं. तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस लिम्फेटिक वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो रहता है, ब्लड का इवन जो भी इसके अंदर फ्लूड रहता है, अब फ्लूड का तो नाम हम लिम्फ ही रखेंगे, तो लिम्फ का जो फ्लो रहता है वो स्लो रहता है काफ़ी. लिम्फ और स्लो, ऐसे. तो लिम्फ का जो फ्लो रहता है वो स्लो रहता है, इसलिए जो कैंसरस टिश्यू है बहुत ही आसानी से माइग्रेट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं. तो लिम्फेटिक जो रूट है वो काफ़ी कॉमन होता है, जो कैंसर जो होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अगर ट्रैवल करना हो तो. सो लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. इसका दूसरा जो नाम है वो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, क्योंकि टिश्यू का फ्लूइड होता है इसलिए टिश्यू फ्लूइड कहते हैं. यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ अ हार्ट, हार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट है, दिस इज़ अ आर्टरी, ठीक है. बहुत ज़्यादा प्रेशर में ब्लड बहता है यहाँ पे, दिस इज़ अ ब्लड वेसल, दिस इज़ अ आर्टरी एक्चुअली, ठीक है. तो दिस इज़ अ एंडोथीलियम सेल्स. तो एंडोथीलियल सेल्स से जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वो आ जाता है. तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि इसमें RBC, WBC सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, दे हैव अ मोर WBC, बट RBC नहीं आ सकते, क्योंकि RBC का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है. तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि लिम्फ में क्या होता है, हालांकि बहुत ही कम, मतलब कि WBC भी होते हैं, बट इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको RBC तो होता ही नहीं है, WBC होता है.
ठीक है, तो ये ध्यान है, दिस इज अ लिम्फेटिक कैपिलरी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर से भी लिम्फेटिक वेसल्स आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सो दे मेक अ लिम्फ नोड। सो द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी इन टू द टिश्यू, ब्लड पास इन टू द कैपिलरी, कैपिलरी से पास हो रहा है थ्रू द टिश्यू। द फ्लूड रिलीज आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूड, और यू कैन से इंटरस्टिशियल फ्लूड, एंड दिस फ्लूड इज अल्टीमेटली रीअब्सॉर्ब बाय द वेन, वेन फिर इस चीज को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। सो दिस इज एक्चुअली द साइकिल अबाउट द लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक फ्लूड्स। यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज बताया है कि कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेन होती है, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बताया है। सो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूड, सबसे पहली बात कि कलरलेस होता है, क्योंकि आरबीसी तो होगा नहीं, अगर आरबीसी होता तो रेड हो जाता, इसलिए कलरलेस है। दे कंटेन अ स्पेशलाइज लिम्फोसाइट, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे हमारे इम्यून सिस्टम को यही स्ट्रांग बनाता है। तो इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो स्ट्रांग हो जाता है, और इट इज़ ड्यू टू द दिस लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट इज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज आर इम्यून रिस्पॉन्स, राइट, इम्यून रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स करता है। लिम्फ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द कैरियर ऑफ द न्यूट्रेंट, दैट इज द न्यूट्रेंट को, हॉर्मोन को, एक्सेट्रा को। तो लिम्फ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द कैरियर ऑफ द न्यूट्रेंट लाइक हॉर्मोन एक्सेट्रा, एंड द फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स, जो भी फैट होगा वो लिम्फ नोड में ही मतलब कि एब्जॉर्ब होता है, यही सारा चीज जाता है। सो दिस इज अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारा चीज। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से पढ़िएगा हर क्वेश्चन को। AIPMT अब चेंज हो गए, नीट बन गया है, तो दिस इज एक्चुअली नीट, ठीक है। तो कंपेयर टू द ब्लड आर लिम्फ हैज, कंपेयर टू द ब्लड आर लिम्फ हैज प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, मोर WBC एंड नो RBC, मोर RBC एंड लेस WBC एंड लो प्लाज्मा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा वेट कर लेता हूँ मैं। येस द आंसर विल बी, अभी अभी मैंने बताया था, मोर WBC एंड नो RBC, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिम्फ सर्व टू, लिम्फ सर्व टू, इसका सारे ऑप्शन पढ़िए एक बार और बताइए कि लिम्फ जो होता है क्या होता है, इट इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियल फ्लूड टू द बॉडी, रिटर्न द WBC एंड RBC टू द लिम्फ नोड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड, सेकंड का ए है, बी है, सी है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। यस इट इज अ रिटर्न ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूड टू द बॉडी, तो दिस इज अ आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अभी मैंने थोड़ा ही पढ़ाया और इससे आप दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाए। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सो ओरिजिन की सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन क्या है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली वी इन्वॉल्व द हार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आएगा और क्या आएगा, हमारा ब्लड वेसल्स आएगा, ठीक है। हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ओरिजिन जो होगा इसका मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा, सो दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सिचुएशन की बात करें तो मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो लंग्स के बीच में जो स्पेस रहता है, दो लंग्स के बीच में जो फंक्शनल स्पेस होता है, सो दिस फंक्शनल स्पेस इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम। तो दिस फंक्शनल स्पेस इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, सो दैट इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम। तो मीडिया स्टेनम इज अ स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, एंड क्या होता है कि लेफ्ट साइड में अगर आप इस लेफ्ट लंग को देखेंगे तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड रहता है, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड कार्डिक नॉच, इसे हम क्या बोलेंगे, कार्डिक नॉच बोलते हैं। तो कार्डिक नॉच इज बेसिकली प्रेजेंट, कार्डिक नॉच इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स होता है और वहीं पे हार्ट सिचुएटेड होता है। हार्ट इज मेडअप ऑफ कार्डिक मसल्स, जो हार्ट होता है हमारा किस मसल से मिलकर बना होता है, हार्ट इज मेडअप ऑफ कार्डिक मसल्स, जो हमारा हार्ट है वो कार्डिक मसल से मिलकर बना होता है। द कवरिंग पेरिकार्डियम दैट इज डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूड। अब देखिए ये वाला पॉइंट आप जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, बट मैं यहाँ पे
आपको अच्छे से समझाता हूँ कि सपोज दिस इज़ अ हार्ट, सपोज दिस इज़ अ वन हार्ट और वेंटिकल या कुछ भी, ठीक है, इसे आप अभी हार्ट समझिए। तो हार्ट क्या है कि जो हार्ट जो होता है, एक सेकेंड, हाँ, ये सपोज दिस इज़ अ हार्ट, राइट, और हार्ट के सराउंडेड जो होगा एक थिन मेम्ब्रेन रहती है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन विच इज अ सराउंडिंग द हार्ट, राइट। इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी रहता है ताकि हार्ट को एक शॉक, अगर कोई चेस्ट पे बहुत तेज मार दे तब भी हार्ट को कुछ परेशानी ना हो, बिकॉज दे आर शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो दे आर शॉक एब्जॉर्बर, राइट। सो द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट टू दैट इज सराउंडिंग द हार्ट। हार्ट इज बेसिकली सराउंडेड बाय दिस पेरिकार्डियल डबल वॉल मेम्ब्रेन लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज अ पेरिकार्डियल फ्लूड इज प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए एक छोटे से मैं बताया है कि दिस इज अ पेरिकार्डियल फ्लूड। सो पेरिकार्डियल फ्लूड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पेरिकार्डियम, जैसे एक और मतलब डबल वॉल स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेसिकली आपका हार्ट होगा। सो दिस इज अ हार्ट और हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होगा और इसके अंदर जो फ्लूड होगा, सो दिस फ्लूड इज कॉल्ड अ पेरिकार्डियल फ्लूड। बहुत ही आसान, पेरिकार्डियल फ्लूड होगा और ये पेरिकार्डियल जो फ्लूड होगा वो शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं चैम्बर की। तो चैम्बर जो होता है, हार्ट के पास चार चैम्बर होते हैं, हमारे जो हार्ट होते हैं फोर चैम्बर हार्ट होते हैं, मैमल्स जितने भी होते हैं फोर चैम्बर हार्ट होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में चार चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर दो दिखाई दे रहे हैं, बोथ आर द एट्रिया नॉट अ ऑरिकल। ऑरिकल बहुत सारे बच्चे ऑरिकल समझते हैं, बट इज नॉट अ ऑरिकल, दिस इज अ एट्रिया, ये एट्रिया है, और दो हमारे वेंट्रिकल होते हैं, तो दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल, ठीक है। तो हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, चार हो गए, सो दिस इज अ वेंट्रिकल। तो एट्रिया इज टू एंड वेंट्रिकल इज टू, दैट इज टोटल जो चैम्बर हो गए हार्ट इज अ फोर चैम्बर। तो फोर चैम्बर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है यहाँ पे कि जो भी हम बायो में पढ़ते हैं वो रियल होता है, देयर इज नो वर्चुअल, और रियल होता है। तो इस हार्ट को अगर मैं अपने ऊपर प्लेस कर दूँ तो ये वाला हिस्सा जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। सो दिस इज अ राइट एट्रिया, समझ गए। मतलब कि अगर आप किसी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे या आप अगर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस है आपका ये लेफ्ट साइड वाला होगा, ये जो हिस्सा है आपका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, बट क्या है कि इसमें ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट साइड वाला है, बट जब हम रियल डायग्राम बनाते हैं, रियल चीज़ें को बनाते हैं, तो अगर मैं इस हार्ट को अपने ऊपर प्लेस करूंगा तो सीधा सीधा वो राइट में हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा लेफ्ट एट्रिया होगा। सो दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया, सो दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया एंड दिस वन इज अ राइट एट्रिया। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, सो दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज वॉट, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, सो दिस इज अ राइट वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया। समझ पा रहे हैं आप कि राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सो वी हैव अ फोर चैम्बर, सो देयरफॉर द ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चैम्बर हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चैम्बर हार्ट। तो सबसे पहले हम एट्रिया के बारे में शुरुआत करते हैं कि एट्रिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एट्रिया जो होते हैं बेसिकली दो हमारे एट्रिया होते हैं, ठीक है। तो दो हमारे एट्रिया होते हैं, ये वाला हमारा राइट में लिखते हैं बट ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रिया, सो दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया एंड दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रिया, सो दिस इज अ राइट एट्रिया, क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया को जो मैं यहाँ पे समथिंग ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, तो जिससे अटैच करता है, सो दिस इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। सो व्हाट इज अ सेप्टम, इट इज अ इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होता है कि ऐसा
चीज जो दो एट्रिया को आपस में जोड़ दे, दो एट्रिया को जो आपस में जोड़ दे उसी को हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब ये हुआ कि राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया इज ज्वाइन बाय द हेल्प ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम से ये ज्वाइंड होता है, राइट? फिर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस लेफ्ट एट्रिया में ओपनिंग होता है। तो ऐसे चार छोटे छोटे इसमें ओपनिंग होता है। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड पल्मनरी वेन का ओपनिंग होता है। ठीक है, तो पल्मनरी वेन यहाँ पे ओपन होती है। ध्यान देने वाली बात है कि पल्मनरी वेन यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और ये सारा चीज़ होता है। तो लेफ्ट एट्रिया जो होता है, लेफ्ट एट्रिया में चार ओपनिंग होती है एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड पल्मनरी वेन। यहाँ पे राइट एट्रिया होती है। लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया को जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ एक्सेप्शन हियर, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि जो वेन होती है, वेन ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड सॉरी वेन ऑलवेज कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन ऑलवेज कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब डी ऑक्सीजन मतलब उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट काफ़ी कम होता है। और जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी होती है, आर्टरी जो होती है, आर्टरी जो कैरी करती है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, यानी यहाँ पे कायदे के अनुसार डी ऑक्सीजन ब्लड आना चाहिए, बट ये लंग से क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ गया। यानी दिस पल्मनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड दिस इज अ एक्सेप्शन ओवर हियर। क्योंकि वेन जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट यहाँ पे ये पल्मनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है एंड दिस इज अ एक्सेप्शन। ये बॉडी में, पूरी बॉडी में यहीं पे हो पाता है और कहीं पे नहीं हो पाता है। तो पल्मोनरी वेन ऑलवेज 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 कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया है, लंग्स से आया, क्योंकि लंग्स में हम सांस लेते हैं, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड बना और सीधा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्या क्या कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर है। सो एट्रिया के बारे में देख रहे हैं। एट्रिया इट इज़ अ स्मॉल अपर चैम्बर। एट्रिया हमेशा स्मॉल रहता है और वेंटिकल्स बड़ा रहता है। तो एट्रिया जो होता है इट इज़ अ स्मॉल अपर चैम्बर, ऊपर की तरफ चैम्बर होता है एंड इट इज़ अ थिन एज कम्पेयर टू द वेंटिकल। तो इसके जो वॉल होते हैं वो थिन रहते हैं और वेंटिकल के जो वॉल होते हैं ये काफ़ी थिक होते हैं, क्योंकि वेंटिकल्स को क्या होता है कि पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो वेंटिकल्स को पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, तो ऑब्वियस है इसका जो मसल्स का लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो मसल्स का थिकनेस होता है, वेंटिकल्स काफ़ी थिक होता है और जो एट्रिया होता है वो थिन होता है। सो दिस इज़ अ थिन एंड दिस वन इज अ थिक। कारण ये है, रीजन क्या है कि थिन है तो ऑब्वियस है इसको ब्लड सिर्फ और सिर्फ वेंटिकल के पास भेजना होता है। ठीक है, और ये थिक इसलिए है क्योंकि मस्कुलर पावर चाहिए, बहुत ही प्रेशर से ब्लड को भेजना होता है, पूरी बॉडी पूरे पैर तक ब्लड को भेजना होता है। हार्ट देख रहे हैं हमारे चेस्ट में है और पैर बिल्कुल नीचे है, तो इतने दूर तक ट्रैवल करना होता है ब्लड को, इसलिए इसे मस्कुलर, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज अ राइट एट्रिया एंड दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया। दिस राइट एंड लेफ्ट एट्रिया इज सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेशन ऑफ राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। यहाँ पे ओपनिंग, अब देखिए सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा का आपको कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मतलब कि डिफरेंट है और चीज़ों को अच्छे से जब तक आप समझेंगे नहीं, हार्ट का कार्डिक साइकिल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो सपोज अगेन दिस इज एट्रिया, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया। अभी मैंने बता दिया था लेफ्ट एट्रिया के अंदर क्या होता है, बट राइट एट्रिया के अंदर क्या ओपनिंग होता है ये नहीं बताया था। तो दिस इज अ राइट एट्रिया एक्चुअली। सो राइट एट्रिया में क्या होता है कि ऊपर से एक वेन आके ओपन होती है, यहाँ पे वेन है, ठीक है, ऊपर से वेन आके ओपन होती है
और एक नीचे से वेन आके ओपन होती है, एक नीचे से वेन आके ओपन होती है। तो एक ऊपर से वेन आती है और एक नीचे से आती है। तो ऊपर से आती है तो ऊपर का मतलब होता है सुपीरियर, सो दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेने कावा। वेने कावा इज नथिंग बट इट इज अ नेम एंड दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल एक्चुअली। तो दिस इज अ सुपीरियर वेने कावा और नीचे से आ रही है तो ऑब्वियस है इसे क्या बोलेंगे हम, इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे, इन्फीरियर वेना कावा। सो दिस इज इन्फीरियर वेना कावा, राइट। तो सुपीरियर वेना कावा क्या होती है कि जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि हार्ट के ऊपर क्या होगा, हार्ट के ऊपर हमारा पूरा फेस है, ब्रेन है, आई है ना। तो इन सब से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इस चैम्बर में, राइट एट्रिया में ड्रेन करेगा। सो ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन इनटू द राइट एट्रिया फ्रॉम दिस सुपीरियर वेना कावा। और यू कैन से कि द सुपीरियर वेना कावा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दोज पार्ट विच इज सुपीरियर टू द हार्ट। सुपीरियर टू द हार्ट कहने का मतलब है कि ऐसे पार्ट जो कि हार्ट से ऊपर हैं उनसे क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो इन्फीरियर वेना कावा है दे रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन दे रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दोज पार्ट विच इज इन्फीरियर टू द हार्ट। इन्फीरियर टू द हार्ट का मतलब है अब हार्ट के नीचे क्या है, हार्ट के नीचे हमारे सारे GIT हैं, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, गॉल ब्लैडर है, हमारा लेग है, एब्डोमेन है, दुनिया भर के स्ट्रक्चर तो नीचे ही तो हैं। तो नीचे से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सारा का सारा कौन करेगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो कौन लेके जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगा। तो सिंपल मतलब है कि सुपीरियर वेना कावा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दोज ऑर्गेन विच इज सुपीरियर टू द हार्ट एंड इन्फीरियर वेना कावा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दोज ऑर्गन विच इज इन्फीरियर टू द हार्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सब में कौन सा ब्लड आ रहा है, सो दिस इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इसमें जो है राइट एट्रिया में, सब राइट एट्रिया में क्या भर गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया है। और इस लेफ्ट एट्रिया में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन होता है और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर भरता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या भरेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा। और कहाँ से भरेगा, आपको भली भांति पता है कि विच इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो करेगी, पल्मोनरी वेन जो है वो यहाँ से लंग से लेके आएगी और यहाँ पे भरेगी। तो यहाँ पे ये बहुत जानना जरूरी है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड द टाइप ऑफ ब्लड विच इज फील्ड इनसाइड दिस वेंटिकल्स, फील्ड इनसाइड द एट्रिया, नॉट अ वेंटिकल, एट्रिया के अंदर कौन कौन से ब्लड यहाँ पे भर रहे हैं। तो द ओपनिंग के बारे में देख लेते हैं, दिस इज अ सुपीरियर वेना कावा, ये दिस इज अ इन्फीरियर वेना कावा एंड दिस इज अ पल्मोनरी वेन, ये जो कि करती है। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आप सबको बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। तो ये सारा का सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, सब चीज़ दिया, तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल जो है आपको नीट, एम्स और जिपमर में सिलेक्शन ज़रूर दिलाएगा। थैंक यू सो मच।